नमस्कार, इंडियन नॉलेजेबल में आपका स्वागत है। यूपी में होगी बरसात, ऐसा मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। ये बारिश यूपी के अंदर ठंड बढ़ा के जाएगी। जी हां, आपको बता दें 18 जिलों में बारिश की वजह से अलर्ट भी लग चुका है यूपी के अंदर। राजधानी लखनऊ में मंगलवार सुबह और दोपहर में हुई बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई है। मंगलवार सुबह से मौसम ने करवट बदल ली है और धूप नहीं निकलने से लोग घरों में कैद हो रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए 18 जिलों में बारिश की संभावना बताई है। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार से दो दिनों तक प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत यूपी के 18 जिलों में बारिश होगी। प्रयागराज में अब तक 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल रही है, जिससे ठंड बढ़ गई है। विक्षोभ के चलते यूपी के कई शहरों में बादल छाने और बारिश के आसार जारी है। जी हां, आपको बता दें वो कौन से जिला है जहां पर रेड अलर्ट जारी हो चुका है बारिश की वजह से। मेरठ, नोएडा, पीलीभीत, बरेली, हाथरस, बहराइच, संत कबीर नगर, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, औरैया, फतेहपुर, प्रयागराज, बलिया, वाराणसी, मऊ, बरेली, आगरा में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने पहले ही दी है। यूपी मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता का कहना है कि इन जिलों में बारिश होने की वजह से अचानक ठंड बढ़ जाएगी। बीते 24 घंटे में सबसे ठंडा शहर 4.7 डिग्री सेल्सियस के साथ यूपी का मुजफ्फरनगर रहा है। जी हां, आपको बता दें यूपी में फिलहाल शीतलहर की संभावना तो नहीं है, लेकिन बारिश के बाद मौसम बेहद ठंडा हो जाएगा, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। इसके अलावा जनवरी के पहले हफ्ते में तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। दूसरी तरफ प्रदेश के लिए वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। यूपी के ज़्यादातर शहरों में इस समय वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब है। इसकी वजह से लोग एक तरफ ठंड और कोहरे को झेल ही रहे हैं, अब प्रदूषण और बारिश का भी सामना करना पड़ेगा। जी हां, वीडियो में बस इतना ही। लाइक कीजिए, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।